अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको बैंगन आलू बनाने की रेसिपी दूंगी। यहाँ पे मैंने ये लंबे वाले बैंगन लिए थे। बैंगन आपको बहुत किस्म में मिलते हैं, गोल भी, लंबे भी और बहुत बड़े वाले भी। जो आप बड़े जो होते हैं वो पकाने में उनका टेस्ट जो है वो सही नहीं आता, छोटे बैंगन आप लेंगी तो वो बहुत मज़े के बनेंगे। तकरीबन मैंने 8 से 10 बैंगन लिए थे और उसकी कटिंग कर ली इस तरह। हमेशा जब भी आप बैंगन काटने लगे तो उसको पहले पानी में जरूर भिगो के रखिएगा, अदरवाइज वो फिर काले हो जाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर आलू डालूंगी। तकरीबन मैंने 2 आलू लिए हैं और 2 ही टमाटर मैंने लिए हैं और 1 मैंने प्याज लिया है। मसालों में मैंने ये क्रश चिली है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है और ये मेरे पास अचार मसाला है जो कि मैं इसके अंदर डालूंगी। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है, सॉल्ट 1 टीस्पून है। तो आइए आज मैं हम चलते हैं बैंगन बनाने की तरफ। लाइट सा ब्राउन करना है, इसको कलर नहीं देना क्योंकि बैंगन में कोई भी कलर देने की जरूरत नहीं पड़ती सब्जी बनाने के लिए। अगर आप चावल बनाएंगी तो उसमें प्याज सुरख करना जरूरी होता है, अदरवाइज सब्जी में प्याज सुरख करना कोई जरूरी नहीं होता। तो बस ये तकरीबन हमारे तकरीबन रेडी है प्याज। जब इस तरह से पिंक पिंक सा प्याज का कलर आ जाता है तो फिर हम इसके अंदर ये जो टमाटर मैंने आपको बताए थे ये छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। टमाटर आपके थोड़े थोड़े से घुलने लगे, ये देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े से नरम पड़ने लगे, तो फिर आपने ये करना है कि इसके अंदर आलू डाल दें। ठीक है, आलू डाल के हम इसकी भुनाई कर लेंगे सिर्फ 1-2 मिनट। डाल के मैंने इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भुना। अब मैं साथ ही इसके अंदर बैंगन डालूंगी। बैंगन डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर साथ ही मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट का प्रेशर कुकर दूंगी ताकि ये गल जाए। इसको मैंने प्रेशर दिया है सिर्फ 1 से 2 मिनट का। आलू भी गल चुके हैं, बैंगन भी हमारे गल चुके हैं। इसके अंदर जो पानी बैंगन और टमाटर ने छोड़ा है वो हम इसको ड्राई करेंगे। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ये प्रेशर कुकर में से मैंने इसको निकाल लिया है ताकि आप लोग इसको देख सकें। और ये 2-3% के लिए ये इनफ होंगे विद राइस एंड विद नान के साथ, विद रोटी के साथ आप ले सकती हैं जो चीज़ आप पसंद करती हैं। लेकिन हम लोग इसको चावलों के साथ पसंद करते हैं, चावलों के साथ इसका बहुत ही मज़ा आता है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये बहुत ही ईजी रेसिपी आप लोगों को